आज हम प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है और इसके लिए आपके पास पेन, कॉपी, पेपर और हो सके तो जितनी से जल्दी आप बुक अरेंज कर सकते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आप मैक्सिमम इसके प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाएं। सो स्टार्ट करते हैं हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। एवरेज इज ए सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल डाटा। एवरेज जो है वो एक सिंगल नंबर या फिगर है जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इट समराइज द डाटा इन सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, योर मार्क्स इन 12th रिप्रेजेंट द ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स। यानी अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 70% बन रहे हैं तो उनके पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को एक सिंगल फिगर जो रिप्रेजेंट करती है उसे हम एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें तीन मेथड है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम इसमें मीन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, अर्थमेटिक मीन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। एक्स के ऊपर हल्का सा जो बार बना होता है इसको हम एक्स बार भी कहते हैं। इससे पहले हमें जो है सीरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सीरीज अर्थमेटिक मीन के लिए देर आर थ्री टाइप ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, जैसा कि नाम से ही है कि इंडिविजुअल, इसका मतलब सिंगल सीरीज जो एक्स में 5, 10, 15, 20 जो सिंगल सीरीज को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जैसे कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इट इज अप टू द सब्जेक्ट जो भी हैं। सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जब आपका डाटा दो सीरीज में बाइफरकेट होता है, एक्स एंड एफ। एक्स में जो है 5, 10, 15, 20 एंड एफ में 5, any number 5, 8, 12 and 10। एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो एक्स की रिपीटेशन को फ्रीक्वेंसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज द सीरीज विच आर इन द कॉन्टिन्यूटी। सो एक्स जब आपका 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 कॉन्टिन्यूटी जब बनी रहती है, इसका लार्जर नंबर नेक्स्ट सीरीज में शॉर्टर नंबर बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। और फ्रीक्वेंसी उस कॉन्टिन्यूस सीरीज की रिपीटेशन को शो करती है। लाइक 5 to 10 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 5। 10 to 15 मार्क्स किसी स्टूडेंट के हैं तो 8 स्टूडेंट्स के हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज द रिपीटेशन और द नंबर। एक्स इज द डाटा सीरीज कॉन्टिन्यूसली। सो ये तीन डाटा सीरीज में हम अर्थमेटिक मीन को करने वाले हैं। हम अर्थमेटिक मीन, इसका नॉर्मल फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। सो अर्थमेटिक मीन इज अ नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द आइटम्स एंड डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सो अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम करेंगे अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। इसको करने के लिए दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम एक्स की एक सिंगल सीरीज ले रहे हैं, 40, 50, 55, 78, 58, इन सारे नंबर्स को टोटल करो और कितने नंबर्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 से इसको डिवाइड कर दो। सो एक्स बार इज इक्वल टू 281 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 56.2। सो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, यानी इन सारे आइटम्स का टोटल डिवाइडेड बाई नंबर। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला रहता है एक्स बार इज इक्वल टू ए इज अज्यूम्ड मीन प्लस डी इज द डिफरेंस डिवाइडेड बाय एन, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। सो एक्स की सीरीज में हम सेम ही हमने ये एक्स की सीरीज उठाई है 40, 50, 55, 78 एंड 58, और हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ए, डी और एन चाहिए। एन हमारे पास है 5, हमें डी चाहिए, तो डी इज कॉल्ड डिफरेंस। That is equal to, difference is equal to x minus a. तो हमें इस सीरीज में से एक a अज्यूम करना पड़ेगा, और मैंने मिडल फिगर को जो है a अज्यूम कर लिया, और हर एक फिगर को हमने हर एक में से 55 माइनस कर दिया। सो
सो 40 माइनस 55 डी इज कॉल्ड द डिफरेंस. सो माइनस 15 माइनस 5 0 23 एंड 3. अब हमने इसको एडिशन किया तो माइनस एंड प्लस कैंसिल होके इसका जो टोटल आता है दैट इज 6. सो एक्स बार फॉर्मूले में हमने अप्लाई किया, ए हमने अज्यूम में लिया था 55, डी का टोटल हमने लिया तो 6 डिवाइडेड बाय एन नंबर. सो 55 प्लस 1.2 56.2. तो हमने सेम ही क्वेश्चन डायरेक्ट से भी किया तो भी आंसर हमारा 56.2 आया, और शॉर्टकट मेथड से भी इसका आंसर 56.2 आया. इस तरह से हमने डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों ही मेथड में एक ही क्वेश्चन को किया और आंसर हमारा 56.2 सेम ही था. चाहे हम एग्जाम में शॉर्टकट करें या डायरेक्ट करें, हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए. अगर आंसर में डिफरेंस है तो कहीं भी हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है. अब हम सेकंड सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज. मीन कैलकुलेशन इन द डिस्क्रीट सीरीज, मीन को हम एक्स बार कहते हैं एज यू नो. इसको भी हम डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों ही मेथड से करते हैं. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ या एन. क्योंकि यहां पर एक्स भी है और एफ भी है तो एन अब हमारा 1 2 3 4 5 नहीं होगा, अब हमारा एन होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, इट मीन्स 39. सो हमारे पास सीरीज है फॉर एग्जांपल एक्स 10 20 30 40 50 एंड फ्रीक्वेंसी है हमारा कोई भी नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 5 8 14 9. और हमारे पास मेथड है हमें एफ एक्स चाहिए और समेशन एफ चाहिए. तो एफ एक्स के लिए हमें एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स. तो इंडिविजुअली हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 3 30, 20 × 5 100, 30 × 8 240, 40 × 14 560, 15 × 9 450. इन सब का टोटल किया 1380 और एफ का टोटल किया फ्रीक्वेंसी का टोटल 39. और हम इससे फॉर्मूले में पुट करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 1380 डिवाइडेड बाय 39 और आंसर है आपका मीन इज 35.38. हमने सेम ही क्वेश्चन को अब हमने शॉर्टकट मेथड में भी यूज किया. सो शॉर्टकट का हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. एक्स बार इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन. फॉर एग्जांपल एक्स दिया हुआ है हमारा 10 20 30 40 50 और फ्रीक्वेंसी सेम हमने यही वाला क्वेश्चन उठाया है ऊपर भी 3 5 8 14 9 और हमने यहां पे भी 3 5 8 14 9. तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ए चाहिए, समेशन एफ डी चाहिए और एन चाहिए. एन हमें पता है फ्रीक्वेंसी का टोटल 39 और हमें ए अज्यूम्ड मीन हमेशा ही एक्स में से लिया जाएगा. ये आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अज्यूम्ड मीन हमेशा एक्स से ही लेंगे और हम मिडल फिगर को ही चूज करते हैं मोस्टली. आप कोई भी चूज कर सकते हैं लेकिन हम मिडल को लेते हैं. हमने 30 चूज कर लिया अज्यूम्ड मीन तो हमारा यहां पर 30 अज्यूम्ड मीन आ गया. एन भी हमें पता है, अब हमें सिर्फ समेशन एफ डी चाहिए. डी को मैंने बताया था डिफरेंस और एफ दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें डी चाहिए. डी का मतलब है एक्स माइनस ए, एक्स में से ए माइनस कर दो इंडिविजुअली. 10 माइनस अज्यूम्ड मीन हमने 30 लिया, 10 माइनस 30 इज इक्वल टू -20 -10 0. हर एक में से 30 हम माइनस करते हैं तो 10 और 20. और लेकिन हमें डी के अलावा हमें अब एफ डी चाहिए तो हम इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 20 -20 × 3 -60 -10 × 5 -50, 8 × 0 0, 10 × 14 140, 20 × 9 180. सो आपका एफ डी का टोटल है 210. अब हम इसे इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं. अज्यूम मीन वी नो 30 प्लस एफ डी 210 डिवाइडेड बाय एन 39. सो हमने इसको सॉल्व किया, 210 डिवाइड बाय 39 5.8 आया और 35.58 इज द आंसर. सो स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट मेथड से भी डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन किया और शॉर्टकट मेथड से भी किया. डायरेक्ट में भी आपका आंसर सेम आया सेम क्वेश्चन का और डिस्क्रीट सीरीज में हमारा शॉर्टकट मेथड में भी आंसर सेम होगा. यही स्टेटिस्टिक्स में है कि आपका मेथड डिफरेंट हो सकता है बट आपका आंसर सेम क्वेश्चन का सेम आएगा.